Hello everyone, I am Dr. Chetan Bijwal. I am an emergency physician working at Holy Spirit Hospital, Andheri East, Mumbai. Today, I am going to talk about how to save lives and how to give CPR. What is CPR? CPR is cardiopulmonary resuscitation. It comes under basic life support, that is BLS. So basic life support, as the name indicates, it's a basic step of how to save lives. To give BLS or to give CPR, you need not to be an emergency physician or you need not to be from a medical background. Anyone can give CPR, anyone can save life. जब हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक एक अगर आदमी आपके पहचान का भी हो सकता है, अनजान भी हो सकता है, अगर वो बेहोश हो गया तो आप क्या करते हैं? हम लोग उनको बचाने की कोशिश इसलिए नहीं क्यों करते हैं क्योंकि हमें हिचकिचाहट होती है, एक हेजिटेशन होता है, अगर हम फंस गए तो, अगर हम उसकी पूरी मदद नहीं कर सके तो. इसीलिए हम आपको एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो एक फर्स्ट एड स्टेप के एक अहेड का एक स्टेप है, एक स्टेप अगला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे. बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, एक ये जो स्टेप है, ये फर्स्ट एड से एक स्टेप अगला है, जिसमें जब तक आपके पास मदद के लिए कोई नहीं आता है, जब तक आपके पास वैद्य तकलीफ नहीं पहुंचती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तब तक आपको क्या करना है ताकि हम उसकी जान बचा सकें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. कोई भी दवाई या कोई भी ड्रग देने के पहले आपको उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस चीज़ पे वो नहीं देनी चाहिए, उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज डू नॉट गिव एनी मेडिकेशन, कोई दवाई मत दीजिए जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो. स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज फर्स्ट सीन सेफ्टी, सीन सेफ. अगर सीन सेफ है तो ही आप प्रोसीड करेंगे. मदद के लिए हमेशा पुकारना है. मैं कितना भी ट्रेंड हूँ, मैं कितना भी मुझे एक्सपीरियंस हो, जो लाइफ सपोर्ट है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इट्स अ टीम वर्क. रिसक्सिटेशन इज अ टीम वर्क, आप अकेले का काम नहीं है, उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है, इसलिए हमेशा मदद के लिए पुकारिए. जैसे ही आपको पता चला आप सुरक्षित है, सामने वाला आदमी सुरक्षित है, फिर आपको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है. हे आर यू ओके? पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो वो बेहोश है. सो आई विल कॉल फॉर हेल्प, प्लीज मदद के लिए आइए, प्लीज शाउट फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प, हेल्प इज कमिंग. मैं उनका कैरोटिड पल्स और ब्रीदिंग देखूंगा साइमल्टेनियसली. तो पर 1000 यहाँ पे कैरोटिड पल्स है और मैं देख रहा हूँ कि छाती ऊपर नीचे हो रही है क्या. अगर छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही है, पल्स भी नहीं है, तो पर्सन इज नॉट कॉन्शियस एंड पर्सन इज इन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट. उसका हार्ट और लंग दोनों बंद है. आई हैव टू कॉल फॉर AED. जब तक मदद की जाएगी तब तक आई हैव टू स्टार्ट CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Make sure that your elbows are straight and you are pressing in the center of the chest. After 30 compressions, I have to give 2 breaths. So head tilt, chin lift. अगर आप ऐसे करेंगे तो जो airway है वो एक line में आ जाएगा. And 2 breaths I have to give, 1 breath every 1 second. अगर मेरे पास कोई भी barrier device नहीं है, अभी COVID का scenario में हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देंगे, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं, इनको कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो आई विल टेक अ पेपर एंड आई विल रोल इट बाय डूइंग 1 ब्रेथ एवरी 1 सेकंड. तब तक मदद के लिए आ जाएंगे लोग एंड देन यू हैव टू टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल वेयर ऑल मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल.